हेलो तो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप आपका मोबाइल से एक PNG फोटो एडिट कर सकते हो या कि PNG फाइल बना सकते हो, यानी कि बैकग्राउंड इरेजर कर सकते हो, यानी कि उस इमेज का कहीं भी आपको बैकग्राउंड कुछ भी डाल के इमेज सेट कर सकते हो। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में, एंड तक बताऊंगा मैं कैसे कर सकता अपना मोबाइल से उस PNG फाइल को आप एडिट कर सकते हो, यानी PNG फोटो बना सकते हो अपना मोबाइल से। तो इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है टच करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के कर दे ऑल के निशान पर क्लिक, ताकि कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आ गया मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्ले स्टोर का ओपन कर लूँगा। प्ले स्टोर को ओपन करके यहाँ से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, बैकग्राउंड इरेजर, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप कर लीजिएगा। अब इसे ओपन करूँगा मैं। ये ओपन होने के बाद कुछ यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू यूज़, ये आपका FAQ दिया हुआ है। इस सब मुझे ज़रूरी नहीं है, मुझे तो फ़िलहाल खाली एक फ़ोटो बैकग्राउंड इरेजर करके आपको PNG फाइल बना के दिखाना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा, ये पे देखिए लोड ए फ़ोटो, तो इस पर मैं करूँगा क्लिक। तो इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से एक गैलरी से एक फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैं एक फ़िलहाल मैं एक मोबाइल का फ़ोटो ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये मोबाइल का मतलब स्क्रीनशॉट लिया था, तो इसी को मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप छोटा कर सकते हो, ये दोनों को अप एंड डाउन करके दोनों एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं कर लेता हूँ इसे छोटा। देखिए मैंने यहाँ से इसे ऐसे सेटिंग किया था कि मतलब कोई जो एक्स्ट्रा कलर वगैरह लिखा जो भी है ये सब ना आए मेरे रेंज के अंदर। यहाँ से भी मैं ऐसा कर लेता हूँ थोड़ा। तो ऐसा करने के बाद यहाँ से देखिए डन पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डन लिखा हुआ है, डन पर क्लिक करना है। तो मैं कर लूँगा डन। डन बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा ये देखिए मेरा ये इमेज अब सेट हो गया इतना में। तो इसको मैं करूँगा मतलब बैकग्राउंड रिड्यूस करके एक PNG फाइल बनाऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है दिया हुआ है, ऑटो बोल के एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, फिर मैजिक दिया हुआ है, यहाँ पे मैजिक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मैनुअली इरेजर करने के लिए, यहाँ पे रिपेयर करने दिया जाए, तो अगर कई जगह मैक्सिमम इरेजर हो गया तो उसका दोबारा रिपेयर करने के लिए, या जूम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं करूँगा फ़िलहाल जो ऑटो लिखा हुआ है ऑटो पे क्लिक करूँगा। तो मैं कर लेता हूँ ऑटो पे क्लिक। ऑटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आएगा आपका, जो ये बिंदी है यहाँ पर, इस बिंदी को पकड़ के हमें इसको मूविंग करना है, यहाँ से मूविंग करके जो भी पर्सन हमको इरेजर करना है वहाँ पे जाके लेके बस छोड़ देना है। तो मैं कर लेता हूँ एक बार इस बिंदी को पकड़ के यहाँ लेता हूँ, मेरा व्हाइट पर्सन जो भी है बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है उसे इरेजर करना है। तो देखिए मेरा ये सारा लगभग इरेज हो गया, तो एक ही बार में सारा कलर टचिंग था। तो मैं फिर से दोबारा एक बार डन पे क्लिक कर लूँगा। तो देखिए मेरा लगभग हो चुका है, थोड़ा थोड़ा साइड वगैरह शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए स्मूथ का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, 1, 2, 3, 4। तो मैं एक बार 2 पे कर लूँगा, जो भी बचा हुआ है वो भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे सेव का ऑप्शन है क्लिक, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है मुझे। तो सेव पे मैं कर लूँगा क्लिक, तो सेव चला जाएगा पर मैं कर दूँगा क्लिक, फिनिश कम्प्लीट हो गया मेरा। तो अब मैं जाके अपना जो मैंने PNG फाइल बनाया ये हुआ कि नहीं। तो दोस्तों हो गया मेरा ये फ़ोटो बैकग्राउंड इरेजर हो गया, यानी कि PNG में कन्वर्ट हो गया मेरा फ़ोटो। तो एक बार मैं जाके गैलरी पे देख लेता हूँ मेरा PNG फ़ोटो बना कि नहीं। तो मैं इमेज यहाँ पे पिक्चर पे जाता हूँ, फिर आदर्श पे, फिर इरेजर पे। तो देखिए दोस्तों बस ये मेरा बन गया है, जो इस मोबाइल का मैं PNG बना रहा था मेरा बिल्कुल बन के रेडी है, अब भी ऐसा कर सकता हूँ।
तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो दोस्तों, इसमें होप करता हूँ कि आप लोगों ने समझ गया होगा कैसे करना है इसे इन फाइल एडिट, और आगे फिर भी मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं।